बैक टू द चैनल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनडीए का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन यहां पे करेंगे। पूरा नोटिस हम यहां पर देखने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, इस तरीके की तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो एनडीए की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी रिलीज करता है। तो ये एग्जामिनेशन का नोटिस नंबर है, जो अभी ये एग्जामिनेशन का जो नोटिस आया है ये आपका 16 जून को आया था। तो जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की दोस्तों वो है आपकी 6 जुलाई, यानी कि 6 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर लें, लेकिन लास्ट डेट का वेट ना करें ताकि आप बाद में भूल जाते हैं। कई बार हम बस लास्ट करते करते फॉर्म की डेट निकल जाती है। तो कोशिश करें अगर आप फॉर्म आपको फिल करना है तो आप जल्दी फॉर्म को फिल कर लीजिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकेंड 2020 का, तो ये है आपका इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशंस की जो एलिजिबिलिटी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैंडिडेट अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन दी है वो आप फुलफिल करें, क्या क्या है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको upsconline.nic इस वेबसाइट पर आपको जाना है, upsconline.nic.in पर। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा अपेंडिक्स 2A में। कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दोज हु डोंट वांट टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जामिनेशन बाद में नहीं भी देना चाहते हैं तो आप जो है वो कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहते तो यू कैन विड्रॉ। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स, वन फोटो आपका चाहिए, वन फोटो आईडी, यानी कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका स्कूल फोटो आईडी हो सकता है, या फिर आपका कोई भी अदर फोटो आईडी जिसपे आपका फोटो और आपका नाम हो, जो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू हो वो आपके आईडी प्रूफ में काउंट होती है। तो जो भी कैंडिडेट की जो आईडी प्रूफ है वो आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिल करनी है। तो एनडीए और एनए जो एग्जामिनेशन है विच वॉज स्केड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 19 अप्रैल 2020, ये 19 अप्रैल 2020 को होना तय हुआ था लेकिन डेफर्ड हो गया। किस लिए, क्योंकि COVID-19 की आउटब्रेक के कारण। तो जो एक कॉमन एग्जामिनेशन है ये अब आपका होने वाला है 6 सितंबर को। तो एक और इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे क्या है, आपका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 6 सितंबर 2020, यानी कि 2020 को। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन डेट आपके फॉर्म की जो है, ऑनलाइन जो आपके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं वो लास्ट डेट है आपकी 6 जुलाई, शाम के 6 बजे तक आपको फिल कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक, 6 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप फॉर्म नहीं, मतलब आप अपीयर नहीं होना चाहते हैं। तो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ई एडमिट कार्ड आएगा, वो 3 हफ्ते पहले आएगा एग्जामिनेशन के। तो 6 सितंबर का एग्जामिनेशन है, उससे 3 हफ्ते पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर हम बात करें कि रॉन्ग आंसर की कोई पेनल्टी होती है, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो देयर विल बी पेनल्टी आपकी होती है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रॉन्ग आंसर की मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर्स इन OMR शीट कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लैक बॉल पेन, यानी कि आपको काला रंग का पेन यूज करना है। ओनली पेन्स विद एनी अदर कलर्स आर प्रोहिबिटेड, कोई और कलर का पेन आपको यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखनी है। पेंसिल या कोई इंक पेन यूज नहीं करना है, बॉल पेन आपको लेके जाना है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी होगी यहाँ पर, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मोबाइल फोन बैंड होता है ये आप सभी को पता है, तो मोबाइल फोन आपको नहीं कैरी करना है, एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होगा। तो एनडीए की जो हम अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 370 वैकेंसी हैं, जिसमें 208 है आर्मी के लिए, 42 है नेवी के लिए और 120 है आपकी एयरफोर्स के लिए, जिसमें कि 28 ग्राउंड ड्यूटी की भी हैं। नेवल एकेडमी के लिए जो आपकी +2 कैडेट एंट्री स्कीम होती है उसमें आपकी 43 है, तो टोटल आपकी 413 वैकेंसी है यहाँ पर। तो एनडीए में आपकी 208 जो है वो आर्मी के लिए है, 42 नेवी के लिए है और 120 आपकी एयरफोर्स के लिए, जिसमें कि 28 आपकी ग्राउंड ड्यूटीज की इंक्लूड होती हैं। तो टोटल आपके यहाँ पर 413 वैकेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा नोटिस में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं, तो जो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पर सारे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके नजदीकी कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ये तो आप, या एक तो सबसे पहले आप अनमैरिड मेल होने चाहिए, आप अनमैरिड होंगे तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए आप, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या तिब्बतन रेफ्यूजी, या पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है और माइग्रेट हो गया है किसी और में, तो ये आपको ध्यान रखना है एलिजिबिलिटी में। एज लिमिट और सेक्स और मैरिटल स्टेटस की बात करें यहाँ पर, तो ओनली मेल्स इसमें अलाउड हैं जो अनमैरिड हैं और उनका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ हो, इससे पहले या इसके बाद ना हुआ हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप कोई भी जो चेंज है एप्लीकेशन में नहीं कर पाएंगे, अगर आपने सबमिट कर दिया तो कोई भी एडिशन डिलीशन या कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा, तो आप अपना जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अच्छे से तभी चेक करके भरें। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो आर्मी विंग जो नेशनल एनडीए का जो आर्मी विंग है उसके लिए आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए, 10+2 मैट्रिक जो होता है स्कूल एजुकेशन का, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो आपकी स्टेट एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है तो वो आपका होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें प्लस टू कैडेट कोर के लिए, तो 12th क्लास आपकी होनी चाहिए जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट प्लस वन में एलिजिबल नहीं होंगे, जो फाइनल ईयर में प्लस वन में है तो वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन हालांकि जो प्लस टू क्वालिफाई करने वाले हैं वो पेपर देने के लिए अलाउ होंगे, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिजिकल स्टैंडर्ड कोई होगा तो कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एडमिशन, फिजिकली फिट होने चाहिए आप, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फीस की बात करें तो कैंडिडेट की जो फीस होगी वो है आपकी 100 रुपीज, या तो आप जो मनी है वो SBI में कैश के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू, मास्टर वीजा, रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। SC ST या जो भी सन्स हैं JCO NCO ORS के, इनके लिए कोई फीस नहीं है, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बाकी जो और बच गए हैं OBC या जनरल कैटेगरी उनके लिए आपकी 100 रुपए की फीस है। तो पे वाई कैश भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, फीस आपने पे कर दी तो वो वापस रिफंड नहीं हो पाएगी। कैसे अप्लाई करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जाना है UPSC की वेबसाइट पर और वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। फोटो सिग्नेचर आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपने पास तैयार रखने हैं और उसके बेसिस पर आपको सारी की सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। तो ये सारी की सारी अभी कंडीशंस हैं जो जो आपको चाहिए, तो नेम ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, ब्लॉक लेटर में पोस्टल कोड, तो ये सारी चीजें हैं कुछ जो आप फॉर्म भरते टाइम अपने पास रखेंगे और वहां पर देखेंगे। अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो आपको इन फॉलोविंग पर जो है मतलब लॉगिन करना पड़ता है SSB सेंटर डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए, तो ये वेबसाइट भी आप अपने काम के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर इस नोटिफिकेशन में है तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने कुल मिला के सारी बातें करनी है अभी तक, एज की बातें, एग्जामिनेशन की बातें, इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या एज चाहिए, क्या कंडीशन है, सारी चीजें। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, तो सब्जेक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन टाइम अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच विल बी फॉलोड। आपका मैथमेटिक्स कोड जिसका ए है 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा, 300 नंबर का मैक्सिमम है। जनरल एबिलिटी 2 ये भी 2.5 घंटे का, ये 600 नंबर का, तो टोटल आपका 900 नंबर का रिटन है। SSB इंटरव्यू आपका टेस्ट और इंटरव्यू ये आपका 900 नंबर का है। तो पेपर इन द फुल सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें, इसके अलावा सब्जेक्टिव नहीं होंगे। क्वेश्चन पेपर टेस्ट बुकलेस और मैथमेटिक्स और पार्ट बी ये भी है, ये आपके बाइलिंगुअल में होंगे एक तो, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाइलिंगुअल है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप भी है आपका। इसके आगे कुछ और देख लेते हैं, सिलेबस की अगर हम बात करें तो दोस्तों सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपका एलजेब्रा रहेगा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 dimensions, डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर एलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो पार्ट ए में आपका इंग्लिश है जो 200 का है। इंग्लिश में आपका जो है डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली देखी जाती है इंग्लिश में, और ग्रामर यूजेस रहेगी आपकी, वोकैबुलरी कॉम्प्रीहेंशन,
ये इस तरीके का पार्ट आपका रहेगा इंग्लिश में। फिर पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज होता है जो आपका 400 नंबर का होता है। इसमें जो कंसेप्ट आपके ब्रॉडली कवर होंगे वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स के। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स में आपका टॉपिक दिए गए हैं कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री में, जनरल साइंस, हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट्स, यहाँ पे पूरा सिलेबस है। आप एक एक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे तो आप इजीली एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, ये इस तरीके के हैं जो आपने पूरा का पूरा यहाँ पर देखना है। इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट में आपका क्या होगा वो भी आपका यहाँ पर पूरा दिया गया है कि पिक्चर परसेप्शन, डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिलिंग फॉर्म की ऑलरेडी इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है जो हमने डिस्कस की है कि एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर कौन से हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने घंटे का होगा, क्या क्या सिलेबस में पॉइंट्स रहेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए इस वीडियो में यहाँ पर आपको दी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।